हाय गाइस, चला आ गया है क्रिएटिव माइंड 2023। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। क्रिएटिव माइंड के अंदर अगर मैं देखूं तो क्रिएटिव माइंड के अंदर आपके पास कुछ स्किल सेट दिए हुए हैं, उन स्किल सेट के साथ आपको काम करना पड़ेगा। हर स्टूडेंट्स के लिए एक कैटेगरी गिवन है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक से ज़्यादा, एक दो तीन। देखो, आप देखोगे जैसे मैगजीन कवर डिजाइन है, इस पर एक स्टार दे रहेगा, तो एक ही बंदा इसमें पार्टिसिपेट करेगा, टीम नहीं है। जैसे मान लो, सपोज़ मैंने कहा अक्षत अगर मैगजीन कवर में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो अक्षत इस मैगजीन कवर डिज़ाइन को अकेला ही बनाने वाला है, इसलिए कि स्टार दिया हुआ है, ठीक है। मिनिमलिस्ट मूवी पोस्टर डिज़ाइन है। मिनिमलिस्ट मूवी पोस्टर डिज़ाइन का मतलब क्या है? कोई मूवी का पोस्टर होगा, उसको कम से कम चीज़ों में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपका मोबाइल वेबसाइट डिज़ाइन, एक एक स्टार है, मतलब अकेले ही बंदे को बनाना है, ठीक है। आपका यहाँ पे मोशन पोस्टर डिज़ाइन है। मोशन पोस्टर डिज़ाइन, इसमें जो हम लोग काम करेंगे, ये आपका पार्ट क्या होगा? जैसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट कर रहे हैं, तो आफ्टर इफेक्ट में क्या होगा, किसी भी चीज़ को, जैसे आपको मूवी पोस्टर होता है, उसमें कुछ चीज़ जैसे एनिमेटेड होती है, टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है, कहीं ब्लास्ट, कहीं स्मोक, या कोई कोई चीज़ हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं, तो उसके अंदर वो सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ हम लोग एक बार देखेंगे कैसे क्या काम करने वाले हैं और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पर। उसके सिवा प्रोडक्ट पैक शॉट है। प्रोडक्ट पैक शॉट पर तीन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी का एक छोटा सा ऐड बनाना है 30 सेकंड का, वैसे ही आपका प्रोडक्ट पैक शॉट है। इसमें तीन लोग मिलके एक प्रोडक्ट पैक शॉट में काम करेंगे। कैरेक्टर एनिमेशन सीक्वेंस है, इसके अंदर आपको मिलेगा एक ही बंदे को आपको कैरेक्टर एनिमेशन का आपको शॉट बना के देना है। तो हो सके तो मैं इसमें आपको एक्टिंग फॉर एनिमेशन फिर से एक बार मैं टचअप दूंगा कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं। 3D asset design है। 3D asset design इस बार कुछ नया है। जैसे आपको मॉडल को ही देना है, किसी भी मॉडल को आपको बना के मॉडल अंडर टेक्सचर करके देना है। फिर है 3D environment design, सेम चीज़, इसमें आपको environment डिजाइन देना है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो लोग गेमिंग में हैं, जैसे आपके कोर्सेज में, जैसे आपको जो लोग कनेक्टेड है, VFX वाले ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर गेमिंग का पार्ट भी है। मैंने क्लासेज में गेमिंग का मॉडल का टेक्निक भी बता रखा है, और चैनल पर ऐसे कई वीडियोज़ भी मैंने डाल रखे हैं जिसमें गेमिंग के प्रोसेस से चीज़ों को फुलफिल किया हुआ है, तो वो सारा पार्ट भी है। उसके बाद हम लोग आते हैं VFX सीन पे। VFX सीन के अंदर आप लोग चार लोग मिलके एक शॉट को कर सकते हो, ठीक है। वापस यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसके अंदर प्रॉपर डिटेल है। जो आप लोग अगर आप आओगे तो इसके अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी कि भाई आपको प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है, कैटेगरी का नाम क्या देना है, और कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, टीम का सबका नाम आप दे दोगे यहाँ पर। इस बार मैगजीन कवर डिज़ाइन के अंदर जो है आपका कैटेगरी यहाँ पे है, टेक्नोलॉजी मैगजीन है, जैसे AI से रिलेटेड कुछ भी आप यहाँ पे डाल के ऐड ऑन कर सकते हो टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। फूड मैगजीन है, फूड मैगजीन को आपको दिखाया भाई कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, और एनिमी मैगजीन है। इसके प्रॉपर डिटेल्स है, मैं चाहता हूँ इस डिटेल्स को एक बार आप फुलफिल करो और आपको एक आइडिया मिल जाए, ओके। इसके अंदर सब कुछ गिवन है, लाइक इसके अंदर जो आपको सबमिशन देना है JPG में देना है और PNG में देना है। less than 8 MB होना चाहिए, 8 MB से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का 8 MB.1 हुआ तो आप रिजेक्टेड हो ऑटोमेटिक, उसमें आपका कोई और दूसरा फंडा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया है कि यू कैन यूज़ एनी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है, कैन बी यूज टू क्रिएट द आउटपुट। अब यहाँ पे ये चीज़ तो इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी बताया हुआ है कि आप AI का यूज़ नहीं करोगे। नीचे कहीं देखना लिखा होगा, कहीं क्या पता आपने AI से कुछ यूज़ करके आपने बना दिया, तो वो आपके लिए अलाउड नहीं है। यहाँ पे कुछ मेंशन दे रखा है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपको ट्रेस नहीं करना है। इलस्ट्रेशन दे रखा है यहाँ पे कुछ स्टेप से, ठीक है। आप चाहो तो लाइक अलग अलग फिल्टर्स के साथ वैसे काम नहीं करना, आपको चीज़ों को बनाना है। जैसे देखो, अगर किसी चीज़ को बनाओ, जैसे देखो फूड वाला, तो उसको आप बनाओ। अगर आपको मैं बताऊँ, थोड़ा सा डिजिटल पेंटिंग के साथ अगर बनाते हो, मैंने कुछ ट्यूटोरियल डाला था, 3 मिनट का ट्यूटोरियल है, चैनल पे जाकर सर्च करोगे डिजिटल पेंटिंग, तो 3 मिनट का ट्यूटोरियल है, उसे भी देख के बनाओगे तो बहुत सी चीज़ें निकल के आ जाएंगे। इंडिविजुअल एंट्री है, इसके अंदर आपको जो नाम देना है, ठीक है, नाम जब आप सबमिशन दोगे तो आपके यहाँ पे क्या होगा, कवर डिजाइन का कवर का डी, सेंटर नेम होगा, CM होगा, लोकेशन होगा और स्टूडेंट नेम होगा। सेंटर नेम और जो भी सेंटर का नाम है वो देंगे हम लोग यहाँ पे। CM मतलब क्रिएटिव माइंड, लोकेशन जिस जगह पे है, जैसे अगर हम लोग कहते हैं दिल्ली में है, गुजरात में है, मुंबई में है, वैसा आप वहाँ पे लोकेशन दोगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे डूज एंड डोंट्स हैं, इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ही खास हम खास आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखो, छोटे छोटे पार्ट जो दिए होते हैं, आप लोग जब भी कोई मैगजीन कवर बनाते हो उसमें सब चीज़ें आप डालते नहीं हो, ये जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं आपको चीज़ें ऐड ऑन करके ही रखना है, आपको कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने मैगजीन कवर में कुछ चीज़ दिया है तो डूज एंड डोंट्स पढ़ लेना आप लोगों को। यहाँ पे आपकी टाइपोग्राफी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है,
काफ़ी लोगों की टाइपोग्राफी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, वो लोग ऐसे काम चला लेते हैं, फोटो उठाया, छोटा छोटा टेक्स्ट लिख दिया, काम खत्म। वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैगजीन कवर डिजाइन के कुछ रेफरेंसेस दे रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं, बिना रेफरेंस के कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा जो पहली बार बना रहा है। जिन्होंने जो बना के एक्सपर्ट हो गए हैं, वो लोग चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देखोगे, ये रेफरेंसेज हैं, ये रेफरेंसेज इसलिए मैंने दिया ताकि आपको लगे तो आप इसमें से स्नैपशॉट लेके आप चीज़ों को फुलफिल कर सको, आपको रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसका जो भी कुछ होगा मैं आपको यही कहूँगा कि आप जाओ, आप इसमें जाके वीडियोज़ के अंदर सब डिटेल दे रखा है, तो डिटेल्स आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको डिटेल्स प्रॉपर पढ़ लेना है। कोई भी चीज़ें दिक्कत आए आप मेरे से पूछ सकते हो। सेकंड है मिनिमलिस्ट मूवी पोस्टर। मिनिमलिस्ट मूवी पोस्टर का मतलब क्या है कि जो भी आपने मूवी देखा उसे कम से कम चीज़ों में आप लाइक डिफाइन कर सकते हो। दो कैरेक्टर, दो कैरेक्टर को दो हेड्स के थ्रू दिखा दें यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा और आइडिया भी मिलेगा, ठीक है। दिस वन मैगजीन कवर, ये है मेरे पास मिनिमलिस्ट पोस्टर, यहाँ पर हम लोग हैं। यहाँ पर आपको देखेगा JPG एंड PNG है, सेम चीज़ 8 MB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कैटेगरी देखेगा हॉलीवुड, बॉलीवुड, एनिमेटेड और OTT वेब सीरीज, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, प्लीज़ डू नॉट क्रिएट योर मिनिमलिस्ट पोस्टर डिजाइन फॉर अ रीजनल मूवीज। रीजनल मूवीज़ कई लोग नहीं समझ पाते। रीजनल मूवीज़ का मतलब है जैसे कोई बिहार का है तो बिहारी कोई मूवीज़ नहीं रख सकता, कोई गुजरात का है तो गुजराती कोई मूवीज़ नहीं रख सकता, ठीक है। कोई हरियाणा का तो हरियाणवी कोई मूवीज़ नहीं रख सकता, इसलिए रीजनल मूवीज़ को इसमें अलाउड नहीं किया गया है। पता चले सर आपने बोला OTT पे तो मेरा सब कुछ है तो मैं कोई भी चीज़ डाल सकता हूँ, नहीं, नॉर्मल हिंदी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ठीक है, और एनिमेटेड, ओके। तो आप यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे मिनिमलिस्ट मूवी पोस्टर में देखोगे यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइस है। यहाँ पे सेम चीज़ मिनिमलिस्ट पोस्टर के, यहाँ पे पोस्टर डी सेंटर नेम एंड सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दे रखा है जैसे कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को लग इस टाइप से भी डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसा कैरेक्टर है तो इस कैरेक्टर को सिर्फ इस टाइप से भी डिजाइन किया हुआ है। आप ऐसे करके भी चीज़ों को डिजाइन करके मैनेज करके दे सकते हो। तो रेफरेंसेज को एक बार फॉलो करना, देखने में अच्छा लगे। देखना यहाँ पे इंसेप्शन के क्या कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे आने वाला का कुछ अलग दे रखे हैं, सबका कुछ अलग है जो रिजेंबल कर सके। कम से कम चीज़ों में दोगे, टेक्स्ट भी आपको जो टाइपोग्राफी में बहुत ही कम रखना है और सेम वैसे ही टेक्स्ट रखने की कोशिश करना जो मूवी का हो, ठीक है। तो आपको तो आइडिया मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको अगर बताया जाए तो ठीक है। अभी यहाँ पे दिखा रखा है भाई, यहाँ पे कुछ चीज़ों को मेंशन कर रखा है कि भाई इसके अंदर की नोट्स कुछ कुछ मेंशन किया है क्या कि स्टूडेंट्स हैव डिजाइन ऑन द एग्जिस्टिंग एनिमेटेड मूवीज, वेब सीरीज एंड लाइव एक्शन, जो भी कुछ यहाँ पे गिवन है, ये एक टाइम एरिया दे रखा है, दोज आर रिलीज इन ईयर ऑफ 2021 से 23 तक। तो आपको जो मूवीज सीरीज या OTT पे कुछ भी लेना है, जो भी आपको आइडिया मिल रहा है, 2021 से 2023 तक का ही आपको लेना है, उससे पहले का नहीं लेना। अगर सपोज 2020 में कोई मूवी रिलीज हुई है, ठीक है, आपने वो मूवी ली तो वो आप ऑटोमेटिक आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें दे रखें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स कैन इंक्लूड इन्फॉर्मेशन दैट इज डायरेक्टर नेम है, एक्टर नेम है, ठीक है, रिलीजिंग डेट है, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे रखा है भाई UN UNA सर्टिफिकेट मूवीज, ठीक है, वर्क ऑनली विल बी कंसिडर, तो आपको ये भी देखना है, ठीक है। ए पे मत चले जाना, कहीं लोगों को एडल्ट मूवी ज़्यादा पसंद हो तो ए पे चले गए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये मेंशन यहाँ पे इनको इन्हीं चीज़ों को नोटिस करना है। छोटी छोटी चीज़ वो लोग स्टार मार्क में दे देते हैं जिसमें काफ़ी लोग समझते नहीं, वो जाके उसे दिखा देते हैं और उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, जब भी आप मूवी देखो, मूवी स्टार्ट होगी ना, उसमें ये मेंशन होता है, एक सर्टिफिकेट दिखता है, उस पर मेंशन होगा UN UNA करके ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आपका आएगा मोबाइल वेबसाइट डिजाइन। मोबाइल वेबसाइट डिजाइन फिर से आप देखोगे यहाँ पे तो मोबाइल वेबसाइट डिजाइन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं भाई। आपको जैसे आपको स्पेस टेलीस्कोप के बारे में दे रखा तो आपको इसमें देखोगे यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ डिटेल्स आपके साथ यहाँ पे गिवन है। आप इनको एक बार गो थ्रू करो, साइजेस एंड सब कुछ यहाँ पे दे रखा है कि भाई साइजेस क्या है यहाँ पे, ठीक है। उनको आप प्रॉपर देखना, कोई भी चीज़ ऐसी गलती नहीं करना, इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फॉलो करना। अगर आपको लगे कि भाई इसमें कोई चीज़ रह रहा है तो एक बार डिस्कस करना, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार पढ़ो, वीडियो फॉर्मेट में आपको मिलेगा तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि आपको क्या काम करना है। यहाँ पे देखो मोबाइल वेबसाइट डिजाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, रेफरेंस वीडियो है, यहाँ पे लिंक दे रखा है। आप लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक पे आपका ऑप्शन आएगा, मैं आपको ये जो लिंक है ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
तो आप वहाँ से आप जाके वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियोस या इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो कि आपका कैसा होना चाहिए। आफ्टर देन देखो यहाँ पे दिख रहा है सेम चीज़ वेबसाइट डिजाइन का दे रखा है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या है मोशन पोस्टर डिजाइन, ये नया है। मोशन पोस्टर डिजाइन का मतलब क्या है, जैसे ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र में आपका कैरेक्टर दिख रहा है, उसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो देना है 20 से 30 सेकंड का आपको एनिमेशन देना है। एनिमेशन में क्या है, जैसे मान लो आपके हाथ में त्रिशूल है तो त्रिशूल हल्का सा हिलता दिखा दिया, हल्के फूल के नीचे से फायर आपको हिलते दिखा दिया, ब्रह्मास्त्र को थोड़ा सा एनिमेट करके दिखा दिया, टेक्स्ट एनिमेशन दे दिया। एक्चुअली ये चीज़ एडवांस इसलिए किया गया क्योंकि मोशन ग्राफिक के अंदर जॉब बहुत सारे आती हैं और स्टूडेंट्स नहीं निकलते हैं, तो इसलिए इसमें ऐसा रखा है। जैसे आप कोई भी मूवीज़ देखोगे, किसी भी मूवीज़ के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको चीज़ देखेंगे भाई, आपको कुछ कुछ एनिमेटेड चीज़ दिखती हैं। जैसे आप कोई भी मोशन पिक्चर अगर देखो तो उसमें क्या होगा, कैरेक्टर खड़ा है उसके आसपास से कहीं कुछ डस्ट स्मोक कुछ फायर कुछ कैरेक्टर हल्का सा मूवमेंट या दो तीन इमेजेस एनिमेशन दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोशन ग्राफिक। किसी भी ग्राफिक को हल्का सा मोशन दे दिया, ठीक है। 20 से 30 सेकंड तक का आपको यहाँ पे मोशन पोस्टर बनाना है, ठीक है। मोशन पोस्टर डिजाइन है, जैसे पोस्टर है इन्हीं में से, जैसे यहाँ पे दिखना है तो आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को एनिमेट कर दिया, कुछ कैरेक्टर को एनिमेट कर दिया काइंड ऑफ। इसके लिंक और रेफरेंस मैं यहाँ पे डाल के उसमें आपको बताया गया आप कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे। एच डी साइज है आपके पास यहाँ पे, क्विक टाइम में एच पॉइंट 264 गिवन है आपके पास यहाँ पे। 30 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो वीडियोज़ होंगे ये वीडियोज़ दो जगह अपलोड होंगे, ठीक है, दो जगह में। एक जगह तो आपको YouTube अपलोड करके लिंक देना है, दूसरा आपका यहाँ पे ये चीज़ जो अपलोड होगा वो क्रियोसोल में भी होगा, तो 30 MB से ज़्यादा के वीडियोस वहाँ पे अपलोड नहीं हो सकते। तो मेक श्योर दोनों चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं भारत करके दिखा रहा हूँ, इनमें सबका मोशन आपका मोशन ग्राफिक के लिंक दे रखे हैं। ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार गो थ्रू कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे मोशन पोस्टर में कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लो यहाँ पे इसमें देख रहा था, जैसे 300 का है तो 300 का टेक्स्ट आ गया, हल्का सा रेन एनिमेटेड दिखा दिया, हल्का सा कैरेक्टर जैसे आप अगर आफ्टर पे करो तो पपेट टूल से हल्का सा एनिमेट करते हुए दिखा दिया तो वो काम कर जाएगा उतना ही। जैसे ये देख रहे हैं कैरेक्टर को हल्का सा एनिमेट करते हुए दिखा दिया, कुछ टेक्स्ट एनिमेट कर दिया, उतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट है, अभी यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे आपका नेक्स्ट लेवल आपका आता है प्रोडक्ट पैक शॉट। प्रोडक्ट पैक शॉट का मतलब जैसे आप छोटे छोटे ऐड जो देखते हो टीवी पे किसी भी प्रोडक्ट के, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट पैक शॉट। इसमें आपका कुछ कैटेगरी गिवन है आपके पास यहाँ पे। यहाँ पे देखो सबमिशन साइज, सबमिशन फाइल फॉर्मेट दे रखा है, एच डी साइज दे रखा है, क्विक टाइम का आपका रेशो दे रखा है, 30 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन अवार्ड है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर आप देखते हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे चीज़ें क्या मिलेंगी, इसमें टॉपिक दे रखे यहाँ पे, जैसे सोफ़ा है, वॉच है, ठीक है, आपका कोई फ्रूट जूस का दे रखा है आपके यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे जैसे मैंने कहा, जैसे इसके अंदर सोफ़ा है और वॉच है, फ्रूट जूस है यहाँ पे, ठीक है, शूज़ का है, KFC का है, ठीक है। आप यहाँ से चीज़ों को ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसमें कुछ टैगलाइन भी दे रखा है यहाँ पे, वो टैगलाइन भी आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। आई एम अ रोबोट का दे रखा है, ठीक है, आपका यहाँ पे ड्रोन का दे रखा है, ये इन्हीं में से आपको लेना है। जैसे अभी ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहा है, इन्हीं 10 में से किसी भी एक को आप सेलेक्ट करके उस पर आप वीडियोज़ बनाओगे, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करना है वो चीज़ों को आपको दिखाना है। देन यहाँ पर ड्राइव दे रखा है, ड्राइव के अंदर सब कुछ आपको दिखा रखा है, कैसे आपको चीज़ों को दिखाना है और चीज़ों को कवर अप करना है, ओके। आफ्टर देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है कैरेक्टर एनिमेशन सीक्वेंस। अगर आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक्टिंग फॉर एनिमेशन का एक सेशन लिया था 2 दिन का, वो हम लोग फिर से कर सकते हैं एक्टिंग फॉर एनिमेशन। एक्टिंग फॉर एनिमेशन के अंदर जैसे आपको कैरेक्टर का लाइक एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, एक्टिंग कैसे करनी है, वो सारा पार्ट इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई क्या क्या पार्ट है। 10 से 15 सेकंड का आपका यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन सीक्वेंस है। इसके अंदर कुछ ऑडियोज़ भी दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ ऑडियोज़ को अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ साइड ऑडियोज़ मैंने डाउनलोड किए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं तो आपको ऑडियोज़ आपके पास यहाँ पे गिवन होगा तो आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उन ऑडियोज़ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीज़ों को एनिमेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया जस्ट क्लिक, ये देखो ये दिख रहा है आपके यहाँ पे, ये ऑडियोज आपके यहाँ पे गिवन है, आप क्लिक करोगे, क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी जो आपको ऑडियो दिए हैं उस पर आपको खुद की एक्टिंग करनी है, अपना कोई भी 2D एनिमेट जो सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो 2D कैरेक्टर को एनिमेट करना है या आपको 3D कैरेक्टर को एनिमेट करना है, ये इसका सारा काम है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो राइट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैंने कर दिया दिस वन एंड, ठीक है।
अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैंने क्या ऑडियो है, तो यहाँ पे कुछ ऑडियोज है, देख लेते हैं यहाँ पे गिन के, अगर देखा है तो मेरे पास कितने ऑडियोज है, मेरे ख्याल से 10 होने चाहिए, 10 आइटम है यहाँ पे, ठीक है, 10 ऑडियो आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसमें आप इन ऑडियोज को आप सुनोगे, ठीक है, जैसे आपने क्या किया, सेलेक्ट किया, प्ले कर दिया आपने यहाँ पे। Dinosaurs never existed, and even if they did, I don't transform into one. I think so. ऐसे करके कुछ ऑडियोज आपको यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ देखो हिंदी इंग्लिश दोनों का डायलॉग दे रखे हैं यहाँ पे। अभी ये आपके पास कुछ हिंदी और इंग्लिश के कुछ डायलॉग दे रखे हैं जिसको आपको देखना है, सुनना है, समझना है। कुछ रियल लाइफ में कुछ एक्टर ने एक्टिंग कर रखी है, उनसे बढ़िया एक्टिंग करके दिखाओ आप कैसे कर सकते हो, और किस टाइप से वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, जो 12 प्रिंसिपल्स जो मिलते हैं ना, और सारे 12 प्रिंसिपल्स के साथ आप उस चीज़ों को मैनेज करके देना है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो आप चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो, ठीक है। जैसे आपने देखा यहाँ पर मैंने कुछ ऑडियोज़ को मैंने अभी दिखाया, ओके। अब इन ऑडियोज़ को लेके आपको एक्टिंग करनी है, और जो आप एक्टिंग करने वाले हो उस एक्टिंग के साथ आपको अपना वीडियो फॉर्मेट देना है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ रिग में 3D का है, तो 3D में रिग कैरेक्टर ले सकता है, क्ले मॉडल से कर सकता है, 2D कैरेक्टर के साथ आप काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि आप अपना कैरेक्टर खुद बनाओ तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप कैरेक्टर डाउनलोडेड भी ले सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका कैरेक्टर खुद का बना हो, ठीक है। रिगिंग का काम करने वाला काम, जो कैरेक्टर वाला काम, आप ले सकते हो, उसके बाद आप इन चीज़ों को आराम से एनिमेट कर सकते हो डायलॉग के साथ, ठीक है। जितना बड़ा डायलॉग उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को मैनेज करके देना है, ठीक है। आफ्टर देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लेआउटिंग का आपको पार्ट दिखाना है यहाँ पे, आपको देखो ड्यूरेशन है 30 to 40 seconds, ठीक है। वी शुड इंक्लूड, यहाँ पे लेआउट दे रखा है, एक लेआउट का पार्ट आपके पास यहाँ पे, रेफरेंस है आपका, रेफरेंस आपको यहाँ पे दिखाना है, जैसे आपने एक्टिंग कर रखा है, ठीक है। ब्लॉकिंग आपको दिखाना है, ब्लॉकिंग में आप यहाँ पे ब्लॉकिंग दिखाओगे, फाइनल एनिमेशन एंड फाइनल आउटपुट जो होगा वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो ये आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन होगा जिसमें आप चीज़ों को ऐसे दिखा सकते हो, भाई आपको ऐसे कुछ काम करना है, ठीक है। कैरेक्टर एनिमेशन सीक्वेंस है सेम चीज़, HD है, क्विक टाइम का आपका बता रखा है 30 ms से आपका ये कम होना चाहिए। अभी जो नया आया है वो आपका 3D एसेट डिजाइन, 3D एसेट डिजाइन के अंदर आपको एक एसेट बनाना है। जैसे आपने देखा वो चैनल पर मेरे कुछ स्टूडेंट लोगों ने लाइक अपनी स्टोरी बना के डाला है, जिनमें से कुछ लोग की जॉब भी लग गई है, उसी टाइप से आपको काम करना है। किसी भी एक प्रोडक्ट को आपको मॉडल करना है, वो भी आपको गेमिंग के बेस पे, गेमिंग की टेक्निक याद रखना है। मैंने कई चीज़ें भी गेमिंग की चीज़ें डाली भी हैं, ठीक है। तो गेमिंग एसेट्स कैसे बनते हैं, जैसे मैंने रिसेंटली मैंने शॉर्ट डाला है गेमिंग एसेट्स का, तो उसी टाइप से कुछ चीज़ें इसमें दे रखा है यहाँ पर। तो गेमिंग एसेट्स कैसे बनाने वाले हो, ठीक है, उसको टेक्सचर कैसे करने वाला, लाइटिंग कैसे करने वाले, और 3D एसेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करने वाला, ये पूरा एक पूरा पार्ट आपको देना है। तो पहले आपको जो मॉडल बनाना है उसका मॉडल का ग्रे स्केल दिखाना है, वायर फ्रेम दिखाना है, और फिर फाइनल आउटपुट दिखाना है, ओके। बाकी चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है। रेफरेंसेज मैं आपको दिखा देता हूँ, रेफरेंसेज मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, लेकिन मैं इसके रेफरेंसेज आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इन मॉडल का जो भी आपको एनिमेटेड आपको वीडियो निकालना है, वीडियो का आपको ये दिखाना है, HD 1920 पे आपको वीडियो देना है, क्विक टाइम का, ठीक है। MP4 आपको यूट्यूब लिंक भी देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एसेट्स हैं, यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक करोगे तो ड्राइव पे आपको इमेजेस मिल जाएंगे, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने कहा 3D एसेट्स के अंदर आपके पास यहाँ पे इमेजेस हैं, ये आपके पास इमेजेस हैं जिनको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इससे आपको मॉडल बनाना है। अगर आप इसे गेमिंग मॉडल बनाने वाले हो तो गेमिंग मॉडल बनाने के लिए आपके माइंड में क्या होना चाहिए, ये पहले हाई डिटेल मॉडल बनेगा, उसका फिर लो पॉली मॉडल बनेगा, हाई पॉली फिर लो पॉली, लो पॉली पे बेकिंग होगा और फिर सारे टेक्सचर का पार्ट होगा। आप अगर देखोगे तो इसके जो बॉडी पे तो एक बेसिक सा ग्रे कलर जैसा आपको दिख रहा होगा इम्पैक्ट, बाकी कुछ गोल्डन कलर का आपको पार्ट दिख रहा है। तो टेक्सचरिंग के अंदर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन मॉडलिंग टेक्सचरिंग लाइटिंग के साथ कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपके माइंड में क्या रहना चाहिए, आप माया यूज़ कर सकते हो, माया, सबस्टेंस, माया, फोटोशॉप, आपको चीज़ों को मैच करके देना है ये, ठीक है। ये भी आपका इसी में आप ऐसा कोई कैरेक्टर बना के सेम आपको ऐसे ही बना के देना है, उसका आपका टेक्सचर लाइटिंग आपको ऐसे दिखाना है, लैम्प दिखा रखा है आपको यहाँ पे, तो उसको भी आप ऐसे कुछ वे में दिखा सकते हो। उसका फिर आपको कुछ ऐसे एसेट्स दे रखे हैं, आप ऐसे कुछ एसेट्स लो, उसको यूज़ करो, बनाओ, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके पास और एसेट्स हैं, उनको देखो और यूज़ करो,
ओके यहाँ पे चीज़ों को देखो, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का लो पॉली भी दिखा रखा है। लो पॉली के बाद आपको एक आउटपुट ऐसा आना चाहिए, टेक्सटिंग का काम बहुत अच्छा कर रखा है और टेक्सटिंग का काम आपको दिखाना है, ठीक है। 11K ट्राइज है, 11K ट्राइज का मतलब क्या, 11,000 ट्राइंगल हैं, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे बना के दिखाना है, तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए। ओके यहाँ पे आपको देखिएगा कुछ इस टाइप से रेफरेंसेस दे रखे हैं, इसको आपको हाई डिटेल मॉडल बना के आप लो पॉली आप मॉडल बनाने वाले हो। बेकिंग का प्रोसेस भी आप यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कुछ हैंड पेंटेड जैसा भी टेक्सचर है, ये चीज़ आप बना रहे हो तो आप नॉर्मली चीज़ों को कैसे बना के दे सकते हो, लेकिन व्हाट आई वांट, अगर आप इस चीज़ को आप मॉडल अनरैप टेक्सचर करते हो और लो पॉली अगर बनाते हो, जो जैसे मैंने रिसेंटली मैंने शॉर्ट डाला उसी टाइप से, तो आपको पूरा प्रोसेस आपको आइडिया मिल जाएगा। चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, अगर आपको लगे कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ओके बैक टू वर्क, यहाँ पे आ जाओ, देखोगे आप यहाँ पे चैनल पे जाओ, आपको सर्च करना है। कई लोगों को चैनल का नाम नहीं पता होगा, ठीक है, सी जी आर्टिस्ट ऑलराउंडर लिखें तो आपको चैनल का नाम पे आएंगे, ठीक है। हैंड पेंटिंग यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे 3 मिनट का वीडियो भी मिलेगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी। ये देखो ये पूरा प्लेलिस्ट है, ये पूरा पूरा पार्ट मैंने बता रखा है, आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है, अगर आपको लगता है जीवस में जाके काम करना, तो जीवस के अंदर भी कुछ चीज़ों को मैंने ऐड ऑन करके दे रखा है। ओके तो इस टाइप की चीज़ों का फुलफिल कर सकते हो, मार्केट की डिमांड बहुत है, ऐसी चीज़ों को अगर फुलफिल करते हो तो आपके पास चीज़ें बहुत मिलेंगी। तो ये सारे प्रॉप्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें माया, जीवस, सब्सटेंस, 3 कैटेगरी वाइज भी काम किए हुए हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे लगे तो सॉल्व करके मैंने प्रॉप्स का पूरा कैटेगरी डाल रखा है यहाँ पे। ये पूरा पूरा प्लेलिस्ट है, इसके अंदर वो टेक्निक मैंने यूज़ कर रखा है, तो आप इस टेक्निक से भी काम कर सकते हो। इसके अंदर आप एक और चीज़ भी देखोगे, जैसे मैं आपको एक प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर कुछ जैसे प्रॉप्स हैं, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, ये मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे, जैसे ये देखो ये है, ये आपका सिंपल माया एंड सब्सटेंस में काम हो जाएगा, ये और ये। इस टाइप से अगर चीज़ों को आपको मैनेज करना है तो भी आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, जैसे ये पार्ट है माया एंड सब्सटेंस, ये देखो ये माया एंड जीवस एंड सब्सटेंस है, ये माया एंड सब्सटेंस पे काम हो जाएगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे चैनल पे मिल जाएगा, अगर आपको लगता है माया एंड सब्सटेंस पे काम कर रखा है, तो इन सब चीज़ों का अगर देख के आप काम करते हो तो आपको ये आउटपुट निकल जाना है इस टाइप की चीज़ों को, ठीक है। इसके सिवा कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया, इसके बाद आप चलते हैं, ये एसेट्स दे रखे हैं यहाँ पर, एसेट्स टोटल मिला के कितने हैं, 11 एसेट्स हैं, इनमें से कोई भी एसेट्स आप बना सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे नीचे हल्का सा कुछ देखा है तो आपको चीज़ों को मेंशन कर रखा है कि भाई यहाँ पे क्या है, AI जनरेटेड आर्ट वर्क विल बी डिसक्वालीफाई। अभी AI का मार्केट की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि भाई आपने कुछ यूज़ किया तो फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखें 3D इन्वायरमेंट डिजाइनिंग है, ठीक है। यहाँ पे इस बार फिर एक और नया है कि आपको इन्वायरमेंट डिजाइन करना है गेमिंग का, ठीक है। सेम चीज़ इन्वायरमेंट मॉडलिंग करना है, ठीक है। 5 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, दोनों ही हैं। आपको फिर से आपको वीडियो ही बनाना है, ठीक है। वीडियो बना के ही आपको देना है। ये देखो ये आपको इन्वायरमेंट 1, इन्वायरमेंट 2, इन्वायरमेंट 3 एंड यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर रेफरेंस के लिए लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा यहाँ पर। ये दोनों 5 मिला के मिल जाएंगे आपके यहाँ पर। रेफरेंसेस को मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये एसेट्स का दिखाया, देखो यहाँ पर अभी एसेट्स को दिखाने के बाद, देखो एसेट्स को दिखाना, इसमें एसेट्स में कुछ वीडियोस भी दे रखे हैं यहाँ पे। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना आप यहाँ पे, तो आपको कुछ ऐसे भी मिलेगा जिसमें आप चीज़ों को दिखा सकते हो आपको यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। इन चीज़ों का देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे देखिए, ये आपने पार्ट दिखा तो आपको मॉडल को कैसे दिखाना है, वायर फ्रेम को कैसे दिखाना है, बहुत पुराना आउटडेटेड है ये अगर देखा है तो। आप ऐसे करके भी दिखा सकते हो, मैं कहा इससे बेटर अपने स्टूडेंट की स्टोरी ले उनको देखो तो आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ जाओ, वापस आ जाओ। यहाँ पर मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट मॉडलिंग पे गए, यहाँ पे आपको 5 कैटेगरी मिलेंगे, रेफरेंस 1, इसके अंदर आप जा रहे हो। एक चीज़ तो है, अगर आपने कुछ किया या नहीं किया, अगर आपने मॉडल बना लिया तो पोर्टफोलियो बन जाएगा, बेशक आप जीतो ना जीतो, देख रहे हैं यहाँ पे। ये आपको गेमिंग के अंदर सारे एसेट्स ऐसे अलग अलग बना के आपको काम करने पड़ते हैं यहाँ पे ऐसी चीज़ को मैनेज करो, काम करो, आपकी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। चीज़ों का पैसे बैलेंस करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इन सारे प्रॉप्स को मैं कुछ क्लासेस में ऐड ऑन करके बनाना स्टार्ट करूँगा, आप लोग भी बनाओ, कोई दिक्कत हो तो मैं से डिस्कस करो, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जिसमें आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। वॉल है तो वॉल को आपको कैसे बनाना है, एक वॉल बना के आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, फिर उसका आप डुप्लीकेट कॉपी लगा सकते हो, ठीक है। ट्री कैसे बना रहे हैं, किस टाइप से दिखा रहे हैं, टेक्सचर का लुक एंड फील क्या है, और चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा फुलफिल करेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ एक प्रॉप्स के लिए मैंने बताया भाई, यहाँ पे कुछ प्रॉप्स से मिलके ये इन्वायरमेंट बनेंगे यहाँ पे, कुछ इन्वायरमेंट आपका ये भी है,
ये आपको रेफरेंस दिया है, आप देखोगे कई स्टूडियो में ऐसा टेस्ट भी मिलता है, तो ऐसे कई चीज़ों को ऐड ऑन करके रखा है ताकि आपका काम अच्छा से देख सके। यहाँ पे ब्लॉकिंग कैसे करेगा, देखो ये ब्लॉकिंग है, ये तो होता डिटेल है। आप इन चीज़ों को ऐसे करके वन बाय वन करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, भाई हमने ऐसा ऐसा करके काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आइडिया ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे गए वापस, यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे देखो ये कैसा है, बहुत तगड़ा कैसा है, ठीक है। अगर जो बनाया बना दिया जिसने, फर्स्ट अवार्ड इसी का है, लेकिन मैं ये तो गारंटी से कह रहा हूँ कि जो बनाने वाला है वो डेडिकेटेड 1 महीने लगेगा, कम से कम 15 दिन लगेगा। वो 15 दिन उस डेडिकेटेड काम कर रहा है, प्रॉपर टोपोलॉजी की नॉलेज है वही बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा। देखने में बहुत ईजी लगेगा, यहाँ पे जो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, जो कार्विंग है, जो डिटेल्स हैं, उसे बनाने में आपको टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। प्लस में इसमें करेक्टर भी हैं, करेक्टर के साथ इसमें काफ़ी चीज़ डिटेल में भी हैं। मोस्टली चीज़ आपको इसमें स्कल्पटिंग का देखेगा, तो आपको हर एक चीज़ को मॉडल करके आपको वापस प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे अंदर भी चीज़ आपको देखेंगे काफ़ी डिटेल में, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो इतना डिटेल अगर कोई बना रहा है तो गारंटीड है, अगर इतना डिटेल आप बना रहे हो तो आपको शायद फर्स्ट अवार्ड, आपको मेरी तरफ से तो लगता है मुझे फर्स्ट अवार्ड इसको मिलेगा, ठीक है। अगर इतना डिटेल में जाके बना के दे रहे हो तो इसको मिनिमम 15 से 20 दिन 1 महीना लगेगा। जिसको नॉलेज है काम करने की उसके लिए कह रहा हूँ, जो भी सीखेगा उसके लिए 1.5-2 महीने भी लग जाता तो कम है, ठीक है। टाइम टेकन चीज़ें, क्वालिटी वाली चीज़ें, लेकिन ऐसी चीज़ अगर आपके पोर्टफोलियो में एक बार आपकी जुड़ गई तो आपकी जॉब पक्की है, जॉब में कोई दूसरा पार्ट आपका नहीं रहेगा। देखो बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में आप जा रहे हो तो आपको काफ़ी चीज़ मिलेगी, और डेडिकेटेड आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो ये सब चीज़ें हैं। देखो डिटेलिंग दिख रहा है हमें, इसके अंदर आपको माया, जीब्रस एंड सब्सटेंस या फोटोशॉप, इनका आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ऐसे सीन भी हैं जो ऐसे दिए गए हैं जो लाइक छोटे मोटे सीन हैं, इस चीज़ को भी बनाओ। इसमें प्रोस्पेक्टिव मॉडलिंग की आपको नॉलेज मिलेगी, आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ब्लॉकिंग कैसे करना है, टेक्सचर कैसे करना है, टेक्सचर में आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और इसके अंदर काफ़ी चीज़ ऐसी भी होगी जो आप फोटोशॉप के साथ भी डील कर सकते हो और सब्सटेंस के साथ भी डील कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें दे रखा है, सब्सटेंस के अंदर कैसे काम करो, कुछ चीज़ यहाँ पे देखो जीवस में भी दे रखा है, जीवस के अंदर स्कल्पिंग करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर मैं बस, अगर आप इसमें काम करते हो एक एक ईंट को अगर मैच करते हो तो भी आपके लिए काफ़ी बेटर है। लीफ है, लीफ को प्रॉपर जीवस में स्कल्प्ट किया है, वापस एक प्लेन पे अल्फा पे लगाया गया है, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक पार्ट दिखे, मैंने 4th तक दिखा दिया, 5th नंबर आपका यहाँ पे गिवन है। सीन ऐसा सीन अगर आप रियलिस्टिक बना रहे हो तो लाइक ये भी आपकी जॉब के लिए बहुत बेटर है। तो काफ़ी रिसर्च करके दिया हुआ है, इन रिसर्च को आप देखोगे, स्टडी करोगे, आपको आइडिया मिलेगा भाई किस में कितना डिटेल है, टाइम टेकन कितना है, आप चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हो, ठीक है। इसमें आपको बहुत से कलर मैप ये भी दे रखा है, ये मोस्टली गेम इंजन में यूज़ होता है, ठीक है। तो आपके कुछ ऐसे मैप भी दे रखे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे एसेट्स हैं, उन सारे एसेट्स को पकड़ो, आपको इसमें काम करना स्टार्ट कर देना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है, बाकी इसके लिए एक रेफरेंस आउटपुट भी दे रखा है कि अगर आप रेफरेंस आउटपुट में आप चीज़ों को मैनेज करते हो तो किस टाइप से आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं चीज़ों को दिखाऊँ, यहाँ पे कुछ रेफरेंस वीडियो दे रखा है भाई, अगर आप यहाँ पे दिखा रहे हो तो आप कैसे दिखा सकते हो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वायर फ्रेम, ग्रे स्केल एंड फिर फाइनल आउटपुट, ऐसे करके आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ऐसे कुछ एक वीडियो दे रखे हैं, सारे लिंक मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा, आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको एक बार क्रॉस चेक कर देना आपके यहाँ पे, ठीक है। एट देन आपको एनवायरमेंट मॉडलिंग में आपको चीज़ों को दिखा दिया, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, इसके अंदर आपको नेम, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज है, नेम एंड अवार्ड सब कुछ आपके यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एनवायरमेंट मॉडलिंग में सेम चीज़ आपको यहाँ पे वीडियो देना है, HD में, क्विक टाइम में आपको H.264, 30 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दो चीज़ चाहिए, एक आपको यूट्यूब में अपलोड करना है, दूसरा आपको क्रिएसोल में अपलोड करना है, ठीक है। डूज एंड डोंट्स यहाँ पे शायद कुछ ऐसा लिखा है जो मुझे पढ़ना चाहिए, यू कैन यूज़ डाउनलोडेड प्रॉप्स फ्रॉम द इंटरनेट, आई डोंट नो ये ऐसा लिखा है, तो शायद ऐसा ही हो, शायद छोटे छोटे प्रॉप्स को डाउनलोड करने के लिए बोला है, वैसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सब कुछ बनाओ, ठीक है। उसका एक नेक्स्ट एंड लास्ट लेवल आपको मिलता है VFX सीन कंपोजिटिंग के लिए, कंपोजिटिंग में आप आ रहे हो तो कंपोजिटिंग के लिए, इस चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे चीज़ों को देखने के लिए आपको मैं आइडिया दूंगा भाई कैसे आपको क्या काम करना है। इसके साथ में आपको देखो 3 वीडियोस दिए हुए हैं, ये 3 वीडियोस के फुटेज आपको इस गिवन है, फुटेज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर देखा जाए तो इन फुटेज के अंदर आपको जो काम करना है, वॉक थ्रू 3D ऑडियो फुटेज, यहाँ पे इसके अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी जोड़ सकते हो आप यहाँ पे।
अभी जैसे यहाँ पे एक सीन देखा, अब यहाँ का पीछे के पीछे आप इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना बढ़िया आप चीज़ों को यूज़ करके दिखा सकते हो। जैसे सपोज हम लोग अभी आदिपुरुष के शॉट पे काम कर रहे हैं, हम लोग ऐसे सीन को हम लोग कन्वर्जन में भी डाल सकते हैं। कोई सीन हमने दिखा दिया, भाई इसके पीछे हमारे पास कैरेक्टर एड ऑन हो रहे हैं, अपने वी एफ एक्स को हम लोगों ने चीज़ों को दिखाया, भाई यहाँ से हमारे हनुमान जी जा रहे हैं, उनके ऊपर राम जी खड़े हैं, स्मोक दिखा दिया, फॉग दिखा दिया, कुछ भी ऐड ऑन कर दिया, वो सीन ही वैसा ना लगे, ठीक है, बिल्कुल से डिफरेंट लगे। तो हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ काम करना था हमने कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीन है, आप इन सीन्स को कुछ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, भाई इसमें आप क्या दे सकते हो। तो ये आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी, आप इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हो। ये तीन वीडियोज आपके सामने गिवन है, इन तीन वीडियोज़ के अंदर आप दिखा सकते हो, भाई इसके अंदर आपको कोई करेक्टर को दिखाना है, ठीक है, किसी चीज़ों को आप फुलफिल करके दिखा रहे हो। इसमें एक चीज़ मेंशन है, 20 से 30 सेकंड का आपको जो वीडियोज़ है उसमें मेंशन है आप चीज़ों को कैसे मैनेज करके दिखाने वाले हो। तो वीडियोज़ आप एक बार देख लेना आप यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर देखो ये मेनली है आप जो लोग आफ्टर वर्क यूज़ कर रहे हैं या न्यूक यूज़ कर रहे हैं, ये दो ही कैटेगरी वाले ही ज़्यादातर काम कर पाएंगे। इसके अंदर 3D एलिमेंट्स या 3D करेक्टर जो यूज़ करने वाले माया वाले करेक्टर, माया वाले लोग भी इसमें जोड़ सकते हैं। VFX के अंदर 4 लोग जोड़ के एक वीडियो पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो 3-4 लोग की मैं टीम बना सकता हूँ जो लोग मिल के काम कर सके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिंक है वीडियो से, इस वीडियो को देखना, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसे ऐड ऑन करके दिखा रखा है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने ट्रैकिंग बताया, तो ट्रैकिंग के अंदर जैसे टेक्स्ट एनिमेट कर रखा है, करेक्टर जैसे है हनुमान जी के लिए हम लोगों ने जैसे बैकग्राउंड रिप्लेस करके हमने अपने हनुमान जी को ऐड ऑन किया, वो सारा काम इसमें दे रखा है। ऐसा करना चाहिए, हम लोग जो क्लासेस में कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पूरा पूरा पार्ट देखा आपके पास यहाँ पे, आपको यहाँ पे फाइनल आउटपुट 20 सेकंड्स में देना है, प्लस ब्रेकडाउन्स देना है, ठीक है, ठीक है। वीएफएक्स ब्रेकडाउन है 25 से 40 सेकंड तक। इसके अंदर कुछ चीज़ें मेंशन करना है, रोटो, रोटो मतलब आपको करेक्टर सिलेक्शन करके निकालना हो, रोटो पेंट है, किंग है, मैच मूविंग है, किंग मतलब आपको ग्रीन स्किन का यूज़ करना है, मैच मूविंग है, ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग जैसे हमने बताया ट्रैकिंग कर सकते हैं, मैट पेंटिंग है जैसे हम लोगों को इसके पीछे का एनवायरनमेंट चेंज करना है, तो वो चीज़ें, कलर करेक्शन, ठीक है, एंड सी जी मॉडल, जो भी कोई 3D मॉडल मुझे ऐड ऑन करना है। जैसे सपोज मैंने बताया कि हम लोग कोई हनुमान जी का मॉडल इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे 3D, तो हम लोग उसमें भी ऐड ऑन करके दे सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये सारा काम हमारे पास इसमें ऐड ऑन होना है। एट द एंड यहाँ पे देख रहे हैं HD में सेम चीज़ 1920 क्विक टाइम दे रखा है आपका, सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पे VFX में फर्स्ट सेकेंड थर्ड अवार्ड है यहाँ पे। तो ये सारी कैटेगरीज में आपको यहाँ पे काम करना है, जहाँ पे एक स्टार है वहाँ पे एक ही बंदा कनेक्ट होगा पार्टिसिपेट करने के लिए, जहाँ पे तीन है वहाँ पे तीन लोग जुड़ेंगे, जहाँ पे चार वहाँ पे चार लोग जुड़ेंगे। ये टीम का आपका यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये सब चीज़ें फुलफिल करना है, ठीक है। फिर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन दे रखे हैं, इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसमें फिर से व्यूज और अवार्ड दे रखा है यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपके कुछ कॉम्पिटिशन के रूल रेगुलेशन है, मैं चाहता हूँ एक बार आप इसे पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा। हर कैटेगरी में 3 अवार्ड हैं, ठीक है, कौन कौन लोग एवोल्यूशन करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको एंड क्रेडिट्स डालना है कि भाई ठीक है, आपको एंड क्रेडिट्स में लाइक जिसने हेल्प की, जिसके साथ आपने मिलकर काम किया, वो सब कुछ आप दे सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद आपके सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप एक बार देख सकते हो, क्रॉस चेक करो एक बार, प्रॉपर आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए दे रखा, आप क्लिक हेयर टू रजिस्टर, आप रजिस्टर करोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा, एंड ऐड देन थैंक यू, ठीक है। फिर कुछ भी हो तो मैं से डिस्कस कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके।